वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में इंग्लिश लिटरेचर में हमने हमारे लास्ट वीडियो में शॉर्ट स्टोरी शुरू की थी, जिस शॉर्ट स्टोरी का नाम था द लैमेंट। तो इस स्टोरी में हम जो आयुना नाम का एक कैब ड्राइवर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत दुखी है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है और अपने दुख को वो किसी व्यक्ति के साथ शेयर करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति उसे मिल नहीं पा रहा है। तो उसी को लेकर ये पूरी कहानी है कि कैसे वो इस कंडीशन से निकलता है और क्या उसे कोई व्यक्ति मिलता है जिसके साथ वो अपना दुख शेयर कर सके। तो आगे हम देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो देखिए, जो तीन व्यक्ति उसकी गाड़ी में बैठे हैं, जिसमें दो दुबले पतले हैं और एक हम्प बैक वाला व्यक्ति है, यानी एक छोटा सा नाटा सा जिसकी कुबड़ निकली भी है, वैसा व्यक्ति उसकी गाड़ी में बैठा हुआ है। तो वो बैठने के बाद अब आगे की बातचीत बता रहे हैं। नाउ देन हरी अप, सेज द हम्प बैक इन ए ट्वेंगिंग वॉइस। ट्वेंगिंग होती है जैसे नाक से बोलना या झनकार करती हुई जो आवाज़ होती है, जो कानों में बहुत तेज तर्रार एकदम पड़ती है, तो वैसी जो वॉइस होती है उसे ट्वेंगिंग बोलते हैं। तो जो हम्प बैक वाला व्यक्ति था वो एकदम तेज आवाज़ में नाक से बोलता है कि तो अब थोड़ा जल्दी करो। एज ही टेक्स हीज प्लेस, जैसे ही वो अपना स्थान ग्रहण करता है, एंड ब्रीथ्स इन आयुनास नेक, और इतनी ज़ोर से सांसें लेता है जो आयुना की गर्दन पर भी महसूस होती है। ओल्ड फर्री हियर मैट, वॉट ए कैप यू हैव। तो वो हम्प बैक वाला व्यक्ति आयुना को फिर से कहता है कि बूढ़े व्यक्ति, ये देखो तुम्हारी कैप, तो देखो तुम्हारे पास कैसी कैप है। देर इज़ नॉट ए वर्स वन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग, यानी तुम्हारे पास इतनी वर्स कैप है, इतनी बुरी कैप है, इतनी गंदी सी कैप है जो पूरे पीटर्सबर्ग में भी अगर ढूंढी जाए तो नहीं मिलेगी। ही गीगल्स आयुना, यानी आयुना उसकी बात पर गीगल्स कर देता है, यानी खिलखिलाकर हंसता है। सच्चे, वो कहता है अच्छा वास्तव में। नाउ यू सच्चे हरी अप, उसने कहा कि सच्चे सच्चे मत करो, अब थोड़ा जल्दी करो। आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पास, क्या तुम पूरे रास्ते इसी पास से चलने वाले हो। पास का मतलब है गति, क्या तुम्हारी गति यही रहेगी। आर यू डू यू वॉन्ट इट इन द नेक, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी नेक पर मारा जाए, यानी तुम्हारी नेक पर प्रहार किया जाए जैसे घोड़े के करते हैं, क्या तब तुम जल्दी चलोगे। माई हेड फील्स लाइक बस्टिंग, सेज वन ऑफ द लैंकी वंस। तभी उन तीनों में से जो एक लैंकी व्यक्ति होता है, दुबला पतला व्यक्ति, वो बोलता है कि मेरे सिर में बस्टिंग महसूस हो रहा है, यानी ऐसे लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा। लास्ट नाइट एट द डोंक मेसोस, डोंक मेसोस जगह का नाम है पीटर्सबर्ग में। तो वो बता रहा है कि पिछली रात को डोंक मेसोस में वास्का एंड आई, वास्का उसका साथी है, तो वास्का और मैंने ड्रैंक द होल ऑफ फोर बॉटल्स ऑफ कॉग्नेक, यानी हमने कॉग्नेक की चार पूरी भरी हुई जो बॉटल्स थी उनको पी लिया था। कॉग्नेक क्या होती है, शराब होती है, यानी एक हाई क्वालिटी ब्रांडी होती है, उसे कॉग्नेक बोला जाता है। तो हमने वो ज़्यादा पी ली थी, इस वजह से अभी मेरा सिर चकरा रहा है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि सिर फट जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू लाइक फॉर, सेज द अदर लैंकी वन एंग्रीली। तभी दूसरे ही दुबले पतले व्यक्ति ने गुस्से में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। यू लाई लाइक ए ब्रूटे, तुम तो एक ब्रूटे की तरह झूठ बोल रहे हो। ब्रूटे होता है जो बहुत ही निर्दयी, बहुत ही कठोर प्रकार का व्यक्ति होता है, तो तुम तो उस तरह से झूठ बोल रहे हो। गॉड स्ट्राइक मी, इट्स द ट्रुथ। तभी वो पहले वाला कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, और अगर ये सच नहीं है तो भगवान मुझे स्ट्राइक करे, मुझ पर प्रहार करे, मुझे सजा दे। इट्स एज मच द ट्रूथ एज दैट अलाउज कफ्स। तभी वो पहले वाला कहता है कि तुम्हारा सच बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ये बात कि एक लाउस कफ कर सकती है। लाउस क्या होती है,
तो स्टूडेंट्स आपने लाइस नाम सुना होगा, जुएं, सिर में जो जुएं होती है, तो प्लूरल में जब उनको बोला जाएगा तो लाइस बोला जाएगा, लेकिन जब एक सिंगुलर एक ही जूं की अगर हम बात करेंगे तो उसे हम लाउस कहकर पुकारेंगे। तो यहाँ उस जूं की बात हो रही है कि जैसे ये बात कि जूं खांसी करती है, तो ये बात जितनी सच है उतनी ही बात तुम्हारी सच है, यानी कि तुम्हारी बात झूठ है। ही ग्रिन्स आयोना, आयोना फिर से हंसता है। वॉट गे यंग जेंटलमैन, कि आप सभी लोग कितने गे हैं, कितने खुशनुमा हैं, खुशहाल हैं, खुश मिजाज हैं। शो गो टू द डेविल, शो मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, हे राम 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 ये क्या बोल रहा है, इस प्रकार हम जो वर्ड बोलते हैं वो ईशा है। गो टू द डेविल, कि डेविल तुम चलो। सेज द हम बैंक इंडिग्नेंटली, यहाँ हम्प बैक बोल रहा है इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली एंग्रीली, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा भड़क गया है वो। आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड पेस्ट, पेस्ट क्या होता है, कीड़ा, पेस्टिसाइड करते हैं ना हम, कीड़ों को मारते हैं, तो वही पेस्ट है, कि तुम बूढ़े कीड़े तुम चल रहे हो या नहीं। इज दैट द वे टू ड्राइव, क्या तुम्हारा यही तरीका है ड्राइव करने का। यूज़ द विप ए बिट, थोड़ा अपने कोड़े का इस्तेमाल करो। गो ऑन डेविल, गो ऑन चलो डेविल चलो। गिव इट टू हिम वेल, यानी ये कोड़ा इसे अच्छा खासा दो, यानी घोड़े को अच्छा खासा मारो ताकि ये थोड़ा तेज चले। आयोना फील्स एट हीज बैक द लिटिल मैन रिगलिंग, यानी आयोना को अपने पीछे महसूस हुआ कि वो जो छोटा आदमी है, यानी जो हम्प बैक वाला व्यक्ति है, वो रिगलिंग कर रहा है। रिगलिंग से मतलब छटपटा रहा है, यानी उसे कोई तकलीफ हो रही है। एंड द ट्रेम्बल इन हीज वॉइस, और जब वो बोल रहा है तो उसकी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही है, कांप रही है। ही लिसन्स टू द इंसल्ट हर्ल्ड एट हिम, यानी वो सुन पा रहा है जो इंसल्ट्स, उसका जो अपमान हो रहा है, हर्ल्ड जोर से चिल्ला कर उसके ऊपर जो उसका अपमान किया जा रहा है उसे वो सुन पा रहा है। सीज द पीपल, लोगों को देखता है। एंड लिटिल बाय लिटिल, और थोड़ा थोड़ा करके द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस लीव्स हिम, यानी ऐसे लगता है कि उसका जो अकेलापन है वो उससे छूटता जा रहा है, यानी अब आसपास लोग हैं, लोगों की बातें सुन रहा है, चाहे वो उसकी इंसल्ट ही कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अकेलेपन को भूल रहा है। द हम्प बैक गोज ऑन स्वेरिंग, जो हम्प बैक वाला व्यक्ति है वो स्वेरिंग कर रहा है, कसम खा रहा है। अनटिल ही गेट्स मिक्सड अप इन सम इलेबोरेट 6 फुट ओथ, यानी तब तक वो कसम खाएगा जब तक कि वो 6 फुट लंबी जो कस्में हैं उन कस्मों को मिक्स नहीं कर देगा। और चॉक्स विथ कफिंग, और जब तक कि खांसी करते करते वो एकदम चॉक्स नहीं हो जाएगा, यानी उसके गले में कुछ अटक नहीं जाएगा, तब तक वो कसम खाता रहेगा। द लैंकीज बिगिन टू टॉक अबाउट ए सर्टेन नाडेजा पेट्रोवना, यानी तभी वो जो लैंकीज व्यक्ति होते हैं दोनों, वो दोनों किसी नाडेजा पेट्रोवना की बात करने लग जाते हैं। आयोना लुक्स राउंड एट देम सेवरल टाइम्स, आयोना कई बार उनकी तरफ देखता है। ही वेट्स फॉर ए टेम्प्रेरी साइलेंस, वो चाह रहा है कि एक स्थायी शांति वहाँ पर हो जाए। देन तब टर्निंग राउंड अगेन ही मर्मर्स, दोबारा से उनकी तरफ मुड़कर वो मर्मर करना शुरू करता है, यानी बड़बड़ाना शुरू करता है। माई सन डाइड दिस वीक, क्या कहता है वो बड़बड़ाते हुए कि इस सप्ताह मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। वी मस्ट ऑल डाई, साइज द हम्प बैक, यानी हम्प बैक वाला व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए कहता है कि हम सबको मरना है। वाइपिंग हीज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग, यानी वो खांसी करता है और खांसी करने के बाद अपने होठों को पोंछता है। नाउ हरी अप, अब जल्दी करो जेंटलमैन, आई रियली कैन नॉट गो एनी फर्दर लाइक दिस, यानी मैं इस प्रकार आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। व्हेन विल ही गेट अस देयर, यानी ये हमें वहाँ कब लेकर जाएगा। वेल जस्ट टू स्टिमुलेट हिम ए लिटल इन द नेक, तभी वो एक लैंकी व्यक्ति में से एक बोलता है कि तुम इसकी गर्दन में थोड़ा और स्टिमुलेट करो, यानी इसे और प्रोत्साहित करो, उत्तेजित करो ताकि ये थोड़ा जल्दी चले। यू ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर, तुम बूढ़े कीड़े क्या तुम सुन पा रहे हो। आई विल बोन योर नेक फॉर यू, क्या मैं तुम्हें दौड़ाने के लिए तुम्हारी गर्दन पर, तुम्हारी जो बोन है, तुम्हारी जो हड्डी है, उस पर प्रहार करूं। इफ़ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विद सेरेमनी, अगर कोई तुम्हारे साथ
सेरेमनी की तरह व्यवहार करें, यानी जैसे कोई बड़ा सा समारोह चल रहा है, वन वुड हैव टू गो ऑन फूट, तो वो शायद तुम्हारे साथ नहीं चलकर पैदल ही चला जाए। डू यू हियर ओल्ड सरपेंट गोरिनिच, यानी तुम्हें सुनाई दे रहा है बूढ़े सांप गोरिनिच। गोरिनिच एक तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज होती है, गाली गलौज जो हम करते हैं, तो इसका कोई ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग निकलता नहीं है, वहाँ के लोग ऐसे ही वर्ड यूज़ में लेते हैं। और डू यू नॉट केयर ए स्पिट, और या फिर मैं तुम्हारे ऊपर स्पिट करूँ थूकूँ तब भी क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी, तुम ऐसे ही चलते रहोगे। आयोना हियर्स रेदर देन फील्स द ब्लो दे डील हिम, यानी वो आपस में जो ब्लो कर रहे थे, फूंकार यानी फूंक मार रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, आयोना उन सबको सुनकर उन चीज़ों को महसूस कर पा रहा था। ही लाफ्स, ही करके वो फिर से हंसता है। दे आर गे यंग जेंटलमैन, गॉड ब्लेस देम, वो कहता है ये सारे जेंटलमैन बहुत ही खुशहाल हैं, भगवान इन्हें ब्लेस्ड करे, इन्हें आशीर्वाद दे। कैबी आर यू मैरिड, आस्क ए लैंकी वन, एक लैंकी व्यक्ति ने पूछा कि कैबी क्या तुम शादीशुदा हो। आई मैं ही गे यंग जेंटलमैन, आप खुशहाल जेंटलमैन। नाउ आई हैव ओनली ए वाइफ, मेरे एक पत्नी है। एंड द मोइस्ट ग्राउंड, और मेरे सामने जो ज़मीन है वो मोइस्ट है, नमी भरी है। ही हो, दैट इज़ टू से, कहने को हम कह सकते हैं द ग्रेव, यानी एक ग्रेव बनी हुई है, कब्र बनी हुई है। माई सन हैज़ डाइड, मेरा बेटा मर चुका है। एंड आई एम अलाइव, लेकिन मैं जीवित हूँ। ए वंडरफुल थिंग, बहुत ही अजीब हैरान करने वाली चीज़ है। डेथ मिसटुक द डोर, यानी मृत्यु गलत दरवाजे पर चली गई। इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी इट वेंट टू माई सन, यानी मेरे पास आने की बजाय वो मेरे बेटे की तरफ चली गई, यानी मरने की उम्र तो मेरी थी लेकिन वो मेरे बेटे को लेकर चली गई। तो डेथ ने क्या कर दिया, गलत दरवाजे का चुनाव कर लिया। आयोना टर्न्स राउंड टू टेल देम हाउ ही सन डाइड, अब आयोना पीछे मुड़ता है उन्हें बताने कि उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन ठीक उसी पल, द हम्प बैक गिविंग ए लिटिल साई, जो हम्प बैक वाला व्यक्ति था वो थोड़ी गहरी सांस लेता है, अनाउंसेस घोषणा करता है, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, वी हैव एट लास्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, कि अंततः हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। एंड आयोना वॉचेज देम डिसअपियर थ्रू द डार्क एंट्रेंस, और आयोना उनको देखता रहता है जो अंधेरे प्रवेश द्वार की तरफ गायब हो जाते हैं। वंस मोर ही इज़ एलोन, और एक बार फिर से आयोना बिल्कुल अकेला हो जाता है। एंड अगेन सराउंडेड बाई साइलेंस, और दोबारा शांति उसके चारों तरफ फैल जाती है। ही इज़ ग्रीफ, आयोना को जो दुख है, विच हैज़ अबेटेड फॉर ए शॉर्ट वाइल, जो थोड़े समय के लिए अबेटेड हुआ था, अबेटेड का अर्थ होता है कम होना, तो जो दर्द थोड़ी देर के लिए कम हुआ था रिटर्न्स वापस आ गया। एंड रेंड्स ही इज़ हार्ट विथ ग्रेटर फोर्स, और उसके हृदय को एक बहुत भारी फोर्स के साथ, दबाव के साथ रेंड्स कर दिया, उखाड़ दिया। विथ एन एंशियस एंड हरीड लुक, एक चिंतित और तेज नज़र के साथ, ही सर्चेज अमंग द क्राउड्स पासिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी वहाँ सड़क पर जो दोनों तरफ क्राउड्स चल रही थी, भीड़ चल रही थी, उसमें उसने ढूंढना शुरू कर दिया। टू फाइंड वेदर देयर मे बी जस्ट वन पर्सन, कि क्या पता उसे एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए हु विल लिसन टू हिम, जो उसकी बात को सुन सके। बट द क्राउड्स हरी बाई विदाउट नोटिसिंग हिम और हीज ट्रबल, लेकिन भीड़ तो ऐसे ही वहाँ से गुजरे जा रही थी, ना तो उसकी तरफ ध्यान दे रही थी ना ही उसकी समस्या की ओर। येट इट इज़ सच एन इमेंस इलिमिटेबल ग्रीफ, हाँ ये इमेंस था, विस्तृत था, विस्तारित था और इलिमिटेबल था, रोशन था, ग्रीफ था, दुख था। शुड इज हार्ट ब्रेक, क्या उसका हृदय टूट जाएगा। एंड द ग्रीफ पोर आउट, और दुख उसके ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा। इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, ऐसे लग रहा है कि उसका दुख पूरे पृथ्वी को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। सो इट सीम्स, जैसा कि ये प्रतीत होता है। एंड यट नो वन सीज इट,
फिर भी अभी तक कोई उसे नहीं देखता है। इट हैज़ मैनेज टू कंसील इटसेल्फ, ऐसे लग रहा है कि उसके दुख ने अपने आप ही व्यवस्था कर ली है, कि उसने अपने आप को कंसील कर लिया है। कंसील करना क्या होता है? छुपाना। अपने आप को छुपा लिया है इन सच एन इनसिग्निफिकेंट शेल, किसके अंदर? एक इनसिग्निफिकेंट शेल है, इनसिग्निफिकेंट जो महत्वहीन है, जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसे शेल में, शंख में उसने अपने आप को छुपा लिया है। दैट नो वन कैन सी इट, कि उसे कोई भी नहीं देख सकता, इवन बाय डे, ना तो किसी दिन में, एंड विद ए लाइट, ना ही किसी प्रकाश। यानी उसका दुख इस तरह हो गया है जैसे वो किसी एक इनसिग्निफिकेंट शंख में छुपा हुआ है जिसे कोई भी देख नहीं पा रहा है। आयोना सीज ए हाल पोर्टर विथ सम सैकिंग, तभी आयोना की नज़र एक हाल पोर्टर पर पड़ती है। हाल पोर्टर कौन होते हैं? अपने ये बोरी, थैला वगैरह ये सीलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हाल पोर्टर बोलते हैं। तो उस हाल पोर्टर को आयोना ने देखा अपनी सैकिंग के साथ, यानी उसके पास कुछ बोरियाँ थी, एंड डिसाइड्स टू टॉक टू हिम, और आयोना ने निर्णय लिया कि आज वो इसी से बात करेगा। फ्रेंड व्हाट शॉर्ट ऑफ टाइम इज इट, ही आस, तभी वो पूछता है कि फ्रेंड अभी इस समय क्या टाइम हुआ है, यानी कितने बजे हैं। तो ये